देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। जहां यूपी में सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं यूपी में महिला बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जी हां, बड़ा मामला जिला बुलंदशहर के धनकेड़ा कीरित गांव का है, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती का शव गन्ने के खेत में मिला। हालांकि पुलिस के जांच पड़ताल में ये खुलासा हुआ है कि पहले तो युवती के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को कुचल दिया गया और फिर उसकी हत्या कर गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। देखिए क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि मृतक नाबालिग युवती दिल्ली के अमर कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर 26 जनवरी को एक शादी समारोह में गई थी, जहां शादी समारोह में पैसे एकत्र करने वाले एक युवक ने दोस्ती करने के लिए युवती को अपना मोबाइल नंबर दिया। वहीं पुलिस द्वारा पूछे जाने पर एक युवक ने बताया कि बाद में शादी में आए घोड़े वाले के साथ युवती चली गई, जिसके बाद पुलिस ने घोड़े वाले की तलाश कर पूछताछ की तो उसमें खुलासा हुआ कि युवती उसके साथ थी, जिसने एक ऑटो वालों से मोबाइल मांगकर एक दूसरे व्यक्ति संजू नाम के व्यक्ति को फोन किया और उसकी बताई हुई जगह पर चली गई थी, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा संजू के नंबर की जांच की गई और तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया है कि उनके द्वारा मृतका युवती को अभियुक्त श्यामवीर के ट्यूबल पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और पकड़े जाने के डर से युवती की हत्या कर पहचान छिपाने के लिए ईंटों से चेहरे कुचल दिए गए, जिसके बाद अभियुक्त युवती के शव को धमेड़ा कीरत गाँव के गन्ने के खेत में फेंक कर फरार हो गया। एक युवती को दिल्ली से अगवा कर बुलंदशहर लाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और इसकी खबर पुलिस को कानों कान नहीं हो पाती। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।